दोस्तों YouTube ओपन करने के बाद में यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ मेरा टेक्निकल प्रशांत का नाम, तो मेरा चैनल सबसे ऊपर में आता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों मेरे कई वीडियोस ऊपर में रैंक मतलब ऊपर टॉप में सर्चिंग में आ जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर मैं वहाँ पे अपना खुद का नाम अगर मैं डालता हूँ तो वहाँ पे मेरे नाम डालने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा चैनल सबसे टॉप सर्चिंग में आ रहा है। उसके साथ में कुछ वीडियोज़ भी उसके सर्चिंग में आ रहे हैं। तो दोस्तों और अगर मैं बात करूँ दोस्तों चैनल बिना स्पेस में नाम, ठीक है, अगर बिना स्पेस में भी अगर मैं नाम डालता हूँ उसके बावजूद भी चैनल सर्चिंग में आता है, तो दोस्तों ये फंडा है सर्चिंग में आने का। दोस्तों हम में से कई YouTube क्रिएटरों की समस्या होती है कि सर्चिंग करने के बाद भी उनका YouTube चैनल सर्चिंग में नहीं आता। और दोस्तों YouTube सर्चिंग में न आने का कारण यह भी हो सकता है दोस्तों कि आपके वीडियोस जल्द से वायरल नहीं होते या फिर उन पर अच्छे खासे व्यूज नहीं आते। तो दोस्तों आज की अगर वीडियो आप शुरू से लेके पूरी अगर आप देखते हो तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत और स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके हमारे इस टेक्निकल चैनल में। दोस्तों क्या आपको पता है YouTube वीडियो हमको सर्चिंग में लाने के लिए या फिर रैंक करने के लिए या वायरल करने के लिए हमको उसका अच्छा सा एक टाइटल देना पड़ता है या उसको अच्छा सा एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, उसको टैग्स देना पड़ता है। जब टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग इनका जब मेल जोल अच्छा खासा हो जाता है YouTube वीडियो वायरल हो जाती है या फिर उसके ऊपर अच्छे खासे व्यू आ जाता है। दोस्तों यही सेम फंडा है हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों चैनल का भी एक टाइटल होता है जो कि खुद उसका नाम चैनल नेम उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसके टैग्स भी होते हैं। दोस्तों उसी वजह से YouTube चैनल सर्चिंग में आता है और ऊपर टॉप में रैंक करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको YouTube का टाइटल मतलब खुद YouTube का नाम उसका डिस्क्रिप्शन उसका टैग्स कैसे डालना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उसके टाइटल की। टाइटल मतलब YouTube का नाम। देखो यार दोस्तों, कंपटीशन का बहुत ही ज़्यादा जमाना है और हर कोई यूट्यूब क्रिएटर कंपटीशन ही करता रहता है किसी एक दूसरे से, और इसलिए दोस्तों हमको एक यूनिक यूट्यूब का नाम मतलब उसका टाइटल बहुत ही अच्छा रखना है जो कि एक यूनिक हो, सर्चिंग में बहुत ही जल्दी आए। अगर दोस्तों आपको यूनिक नहीं रखना है, मान के चलो अगर टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल सागर, टेक्निकल समथिंग, टेक्निकल प्रशांत, और अगर टेक्निकल चीज़ होता रहेगा और उसी सेम नाम से अगर हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो जो यूट्यूब चैनल का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा उसका चैनल टॉप पे सर्चिंग में आएगा। देखो मान के चलो अगर टेक्निकल गुरुजी का चैनल है, ठीक है, टेक्निकल गुरुजी, अगर मैंने एक चैनल बनाया टेक्निकल गुरुजी नाम का, लेकिन यार मेरा अगर परफॉर्मेंस उससे भी अच्छा नहीं है तो मेरा चैनल टेक्निकल गुरुजी के हमेशा डाउनलाइन में ही रहेगा। और दोस्तों बात करते हैं यूट्यूब चैनल के नाम की, डिस्क्रिप्शन की और उसके टैग्स की, तो इससे काफ़ी हद तक आप अपने यूट्यूब चैनल को सर्चिंग में ला सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर ये डालने के बाद में भी अगर आपका चैनल सर्चिंग में जल्दी ही नहीं आता, मेक श्योर दोस्तों आपका परफॉर्मेंस कहीं पर ना कहीं पर कम है और आपकी प्रेजेंस ही मतलब आपका हर दिन का यूट्यूब अपलोड और यूट्यूब पर जो भी आपका काम है कहीं पर ना कहीं पर कम है। तो दोस्तों इसको भी आपको इम्प्रूव करना है जिससे आपकी वीडियो मतलब आपका चैनल सर्चिंग में आए। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाते चैनल के टैग्स और डिस्क्रिप्शन किस तरीके से हमको लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं और कौन सी सेटिंग वहां पे करना पड़ता है वो भी आपको बता दूं। तो चलिए दोस्तों लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले हमको चले जाना है दोस्तों हमारे गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों यूट्यूब, और यूट्यूब ओपन करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस दिखता है। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों हमको चले जाना है अबाउट सेक्शन में। दोस्तों ये जो अबाउट सेक्शन यहाँ पे होता है इसमें होता है दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन आखिर मैंने कैसे लिखा हो, और काफ़ी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी अच्छा और काफ़ी VIP लुक आ रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स यहाँ पे लिख देते हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, हमारे वीडियो अपलोड का टाइमिंग क्या है और कौन से टॉपिक पे हम वीडियोस बनाते हैं, ऐसे हर एक चीज़ दोस्तों जो आप अपने चैनल में करते हो यहाँ पे लिख सकते हो। दोस्तों अगर आपको ऐसा ही डिस्क्रिप्शन में अपने खुद के चैनल में लिखना है तो मैं इसका टेक्स्ट कॉपी करके दोस्तों अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो उसमें एडिट करके अपना चैनल में ये डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे एडिट करते हैं, कैसे लिखा जाता है मैं आपको सिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमको ओपन करना है YouTube का एप्लीकेशन, वहाँ पे जाके हमारे माय चैनल के ऊपर मैं जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरा चैनल, और चैनल के बाजू में यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो कुछ सेटिंग का सिंबल है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद में ये चैनल सेटिंग में आ गया, और यहाँ पे देख सकते हो उसका नेम मतलब टाइटल, और यहाँ पे जो राइट साइड में लिखा हुआ है दोस्तों, और इसमें हम क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद में डिस्क्रिप्शन को एडिट करेंगे। दोस्तों एडिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए तो, और थोड़ा ध्यान से अगर
देखने वाली बात अगर यहाँ पे हम आप देखते हो बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे मेरा नाम दिया हुआ है। देखो टेक्निकल प्रशांत भी दिया है यहाँ पे, जो कि चैनल के सर्चिंग में आ रहा है। यहाँ पे कुछ चैनल का डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना था वो मैंने तो लिख दिया, और ऊपर में देख सकते हो मेरा खुद का नाम प्रशांत साखरे, वो नाम भी यहाँ पे दिया गया है, जिससे टॉप पे सर्चिंग में आ रहा है हमारा चैनल। तो दोस्तों ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है एडिट करके दोस्तों, और दोस्तों इसका टेक्स्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पहला स्टेप डिस्क्रिप्शन का। उसके बाद दोस्तों हमको डालना है टैग्स, तो उसके लिए हमको फिर से जाना है दोस्तों क्रिएटर स्टूडियो में, और यहाँ पे एप्लीकेशन में जाने से पहले हम कंटिन्यू टू स्टूडियो कर देंगे, और कंटिन्यू टू स्टूडियो जो कि हमारा क्रोम में ही ओपन करेंगे दोस्तों। इसको ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑप्शंस आ गए। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक चैनल का ऑप्शन है सेकंड नंबर का, उसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है दोस्तों। और बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो नीचे में थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, इसका मतलब दोस्तों ये होते हैं टैग्स हमारे चैनल के। दोस्तों गौर करने वाली बात है यहाँ पे जो मैंने टैग्स डाला वो देख सकते हो, पहले टेक्निकल प्रशांत डाला, फिर बिना स्पेस में प्रशांत साखरे डाला, फिर उसको ही उल्टा पुल्टा किया, फिर उसमें अंडरस्कोर में दिया। तो दोस्तों इसमें ऐसा है, जो टैग आप चाहते हो, जो टैग आप YouTube में सर्च करो उससे आपका चैनल सर्चिंग में आ जाए, वही टैग दोस्तों आपको इसमें डाल देना है दोस्तों। तो इसको हम सेव कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों टाइटल तो हमारा चैनल का नाम था, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, और टैग्स भी हो गए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये सारी चीज अपने चैनल में करते हो तो आपका चैनल टॉप पे सर्चिंग में आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज यार प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, बने रहे चैनल साथ में। बाय बाय।